होते वक्त एक शख्स ने मुझ पे हमला किया। पिछले 5 साल में ये 9वां हमला है मेरे ऊपर, और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये 5वां हमला है मेरे ऊपर। मुझे नहीं लगता कि 70 साल के भारत के इतिहास में इस तरह से किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर कभी हमले किए गए हैं। 9 हमले तो छोड़िए, मुझे नहीं लगता एक भी इस किस्म का हमला आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री के ऊपर किया गया था। पूरे देश के अंदर दिल्ली अकेला राज्य है जिसकी मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी विरोधी पार्टी की सरकार के पास है। मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है, बाकी हर राज्य के अंदर उस मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उन्हीं के अंडर में काम करने वाली पुलिस की है, लेकिन दिल्ली अकेला राज्य है पूरे देश में जिसके मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उनकी विरोधी पार्टी यानी कि भाजपा सरकार की है। तो अगर मुझ पे हमला होता है तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। वो हमला क्यों किया गया, किस लिए किया गया, ये सारी बातें बात की हैं, लेकिन अगर हमला हुआ वो चूक थी कि सुनियोजित था, लेकिन मन में प्रश्न उठता है कि चूक एक बार होती है, चूक 2 बार होती है, चूक 3 बार होती है, चूक 9 बार नहीं होती है। उसमें फिर लगता है कि षड्यंत्र है, उसमें फिर लगता है कि करवाया जा रहा है।